मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिलेबस ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट। बच्चों, हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बच्चों, अब हम सेकेंड टर्म का सिलेबस लेसन 8 से स्टार्ट कर रहे हैं। आप भी इस लेसन पर सेकेंड टर्म मेंशन कर ले। इस लेसन का नेम है द फॉक्स एंड द स्टॉक। अब हम इस लेसन की रीडिंग करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम द फॉक्स एंड द स्टॉक वर फ्रेंड्स। एक समय की बात है, एक लोमड़ी और एक सारस दोनों फ्रेंड्स मतलब दोस्त थे। द क्लेवर फॉक्स लव्ड टू प्ले ट्रिक्स ऑन अदर एनिमल्स। चतुर लोमड़ी थी, जो चालाक लोमड़ी थी, उसे अदर एनिमल्स मतलब दूसरे जानवरों के साथ प्ले ट्रिक्स चाल चलना अच्छा लगता था। द फॉक्स इन्वाइटेड द स्टॉक टू डिनर। लोमड़ी ने स्टॉक को डिनर पर इन्वाइट किया। ही प्लेस सूप इन टू बाउल्स ऑन द टेबल। उसने टेबल पर दो कटोरों में सूप रख दिया। द फॉक्स ड्रेंक हिज सूप। लोमड़ी ने अपना सूप पी लिया। द स्टॉक ट्राइड ड्रिंकिंग फ्रॉम द बाउल विद हिज लॉन्ग पॉइंटेड बीक। सारस ने ट्राइड मतलब कोशिश करना ड्रिंकिंग फ्रॉम द बाउल विद हिज लॉन्ग मतलब लंबी पॉइंटेड नुकीली बीक चोंच। सारस ने अपनी लंबी नुकीली चोंच से बाउल में से सूप पीने की कोशिश की। ही कुड नॉट ड्रिंक एनी सूप। वो सूप नहीं पी सका। ही वॉज हंग्री एंड एंग्री टू। उसे गुस्सा भी आ रहा था और भूख भी लगी थी। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन द स्टॉक इनवाइटेड द फॉक्स फॉर डिनर। अब स्टॉक ने लोमड़ी को रात के खाने पर इनवाइट किया। ही सर्व सूप इन ए लॉन्ग नेक जार विद ए नैरो माउथ। अब क्या किया जो सारस था, उसने क्या किया, एक लंबे सुराहीदार वाले बर्तन में जिसका जो मुंह था नैरो माउथ मतलब तंग था, टाइट था, उसमें उसने सूप सर्व किया। द स्टॉक ड्रिंक ही सूप। सारस ने अपना सूप पी लिया। द फॉक्स कुड नॉट ड्रिंक एनी सूप फ्रॉम द जार। जो लोमड़ी थी वो उस बर्तन में से सूप नहीं पी सकी। द हंग्री फॉक्स जो भूखी लोमड़ी थी वेव्ड गुड बाय। उसने अपना अपना चली गई क्या गुड बाय कहकर चली गई एंड लेफ्ट। द स्टॉक स्माइल्ड और स्टॉक हंसने लगा। द फॉक्स वुड नॉट प्ले सिली जोक्स ऑन हिम अगेन। लोमड़ी ने दोबारा उसके साथ कभी ऐसा मूर्खतापूर्ण जोक कभी नहीं खेला। तो आज मैंने आपको इस लेसन की रीडिंग करवाई है। आप भी घर पर इस लेसन को अच्छे से हर वर्ड पर फिंगर रख कर रीड करेंगे। अगर आप अच्छे से इसे रीड करेंगे तो जब मैं आपको इस लेसन की बुक एक्सेस करवाऊंगी तो आपको बहुत इजी लगेगी। ठीक है बेटा, यही आपका आज का होमवर्क है। ओके बेटा।